Good morning, students. Today we start chapter number 13. तो स्टूडेंट इसमें हमने अभी तक तीन टाइप कर चुके हैं प्रोबेबिलिटी की, और फोर्थ जो टाइप थी उसका कल मैंने स्टार्ट करवाया था प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। तो फर्स्ट प्रोबेबिलिटी कौन सी थी? फर्स्ट प्रोबेबिलिटी थी कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, सेकंड थी इंडिपेंडेंट इवेंट्स, और थर्ड थी बेस थ्योरम, और जो फोर्थ प्रोबेबिलिटी है वो है प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। ओके, तो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन कल मैंने आपको बताया था कि प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, ओके, और उसकी टेबल कैसे बनती है प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन की। और इस एक्सरसाइज के अंदर हमारे पास जो नया सिलेबस अपडेट हुआ है, जो कुछ पोर्शन डिलीट कर दिया गया है, उसमें मीन वेरिएंस और स्टैंडर्ड डेविएशन वो हमारे सिलेबस में नहीं है। तो इस एक्सरसाइज के अभी तक हमने 7 क्वेश्चन तक कंप्लीट कर लिए, तो आगे क्या करेंगे हम 8 क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। आज कोशिश करेंगे इस एक्सरसाइज के कंप्लीट हो जाए, या जितने भी क्वेश्चन होंगे आज इसको कोशिश करेंगे आज या कल मेन कंप्लीट हो जाए। देखिए तो क्वेश्चन नंबर एट क्या है कि ए रैंडम वेरिएबल एक्स हैज द फॉलोइंग प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। अब की बार स्टूडेंट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन हमने दे दिया है, क्या बताया है प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन गिवन है। देखिए एक्स पी एक्स क्या है, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 प्लस के, ये दे रहे हैं फोर मेथड डिटरमाइन द वैल्यूज ऑफ के, पहले के की वैल्यू फाइंड करनी है। तो स्टूडेंट इसमें प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन में मैंने बताया आपको कि पी एक्स का सम ऑलवेज समेशन ऑफ पी एक्स इज इक्वल टू पार्ट ऑफ 1। ये समेशन होता है, जैसे आप पढ़ के आए सिग्मा, मतलब इन सब का सम किसके इक्वल होना चाहिए, 1 के इक्वल होना चाहिए। तो इसका पी एक्स का सम करेंगे हम, समेशन क्या आएगा देखिए, 2k स्क्वायर प्लस k स्क्वायर कितना हो गया 3k स्क्वायर प्लस 10k स्क्वायर प्लस 1, 3, 5, 8 और 1, 9। तो क्या है हमारा 10k स्क्वायर प्लस 9 क्या आ गया हमारा समेशन। तो 10k स्क्वायर प्लस 9k इज इक्वल टू क्या आ गया 1। तो स्टूडेंट ये चीज आपको क्लियर हो गई होगी कि ये मैंने क्या किया, ये क्या बन गया क्वाड्रेटिक इक्वेशन, 10k स्क्वायर प्लस 9k माइनस 1 इज इक्वल टू 0। यहां से क्या करेंगे हम, इनकी मल्टीप्लाई करने क्या आया माइनस 10, तो 10k स्क्वायर प्लस 10k माइनस का k माइनस 1। ओके, तो ये आ गया 10k कॉमन ले लिया, तो यहां आ गया k प्लस 1 माइनस का मान लीजिए k प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो यहां से क्या है 10k माइनस 1 और k प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अब यहां से k की वैल्यू क्या है, k की वैल्यू आ गई 1, तो k की वैल्यू 1/10 और k की वैल्यू आ गई माइनस 1। ये नॉट पॉसिबल होगी, ये नॉट पॉसिबल क्यों होगी स्टूडेंट, ये चीज मैं आपको क्लियर कर देता हूं। देखिए k की वैल्यू, अब मैंने बताया था px की जो भी वैल्यूज होंगी वो सारी की सारी क्या होंगी, पॉजिटिव वैल्यूज होंगी, बट k की वैल्यू अगर यहां माइनस पुट कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा नेगेटिव। इसका मतलब ये नॉट पॉसिबल वैल्यूज होगी, k की वैल्यू माइनस 1। तो अब k की वैल्यू हमारे पास आ गई फर्स्ट पार्ट में, था k की वैल्यू आ गई 1/10 फर्स्ट पार्ट में। ओके, अब सेकंड पार्ट में इस क्वेश्चन नंबर 8 का जो सेकंड पार्ट है उसमें क्या फाइंड करवा रहा है, सेकंड पार्ट में फाइंड करवाया कि प्रोबेबिलिटी फाइंड करो x less than 3, ये फाइंड करना सेकंड पार्ट में। अब x less than 3, x 3 से लेस है कौन कौन से, 0, 1, 2 है, तो इसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है। प्रोबेबिलिटी क्या होगी, k plus 2k क्या हुआ, तो ये आ गया k plus 2k कितना हुआ 3k, और k की वैल्यू क्या है 1/10, तो 3 × 1/10 तो वैल्यू क्या होगी 3/10। तो x less than जो 3 है, तो 0, 1, 2
ओके इसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड करें, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या आती है 3/10। नेक्स्ट पार्ट क्या है, थर्ड पार्ट में क्या कहा उसने, प्रोबेबिलिटी फाइंड कीजिए एक्स ग्रेटर देन 6, ओके 6 से ग्रेटर, 6 से ग्रेटर क्या है 7, 7 है तो यहां क्या आ जाएगा 7 ए स्क्वायर प्लस के, ओके तो k की वैल्यू हमारे पास गिवन है, k की वैल्यू पुट कर दीजिए 7 × 1/10 का होल स्क्वायर प्लस 1/10, ओके क्योंकि k की वैल्यू क्या थी 1/10, तो ये आ गया 7/100 प्लस 1/10, 100 कैल्सियम आ गया 7 + 10 क्या है 17/100। क्लियर, अब थर्ड पार्ट तो हो गया, थर्ड पार्ट होने के बाद फोर्थ पार्ट क्या है, फोर्थ पार्ट क्या है कि p ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ 0 लेस देन x लेस देन 3, 0 लेस देन x लेस देन 3, 0 और 3 के बीच में लाइक क्या करें 1 और 2, ओके तो 1 और 2 k प्लस 2k, k + 2k ठीक है, k की वैल्यू क्या है 1/10, तो क्या आ गया 3/10, तो जो सेकंड पार्ट है और जो थर्ड पार्ट है वो सेम है, ओके क्लियर स्टूडेंट, तो ये चीज आपको क्लियर होगी होगी जो भी क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 8 सेम एज इट इज, क्वेश्चन नंबर 8 के जैसे ही, क्वेश्चन नंबर जो 9 है वो सेम एज इट इज इसी टाइप से है, तो मैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर जो 9 है स्टूडेंट उसकी एक बार टेबल बना देता हूँ इस टाइप से, तो आगे क्वेश्चन सेम एज इट इज इसी टाइप से होगा तो वो आप कर लेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 में बुक के अंदर एनसीईआरटी के अंदर टेबल नहीं बनाई हुई है, तो टेबल मैं बना के आपको दे देता हूँ, उससे आगे ये वैल्यूज आप फाइंड कर लेंगे, इसके जितने इतने पार्ट फाइंड करें 1, 2, 3, 4 पार्ट फाइंड करें इसी टाइप से तो वो आप कर लेंगे। क्या है उसने कहा, रैंडम वेरिएबल 0, 1, 2 अदरवाइज, 0, 1, 2 अदरवाइज, के टू के थ्री के और जीरो, ये स्टूडेंट ये क्वेश्चन नंबर 9 बन गया। अब वो कह रहा है k की वैल्यू फाइंड कीजिए, तो पी एक्स का सम क्या होता है 1 होता है, तो 3k प्लस 2k कितना हो गया 5k प्लस k 6k इज इक्वल टू 1, तो k की वैल्यू यहाँ से क्या आ जाएगी 1/6 आ जाएगी, और बाकी के जो 3 पार्ट्स हैं वो भी आप इसी मेथड से सोल्व कर लेंगे। क्लियर स्टूडेंट, तो ये क्वेश्चन नंबर 8 और 9 यहाँ से हो जाता है। आगे स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 10, तो मैं इसको रफ कर देता हूँ एक बार, देखिए फिर आगे स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, उन्होंने कहा फाइंड द मीन नंबर ऑफ हेड्स इन 3 टॉसेस ऑफ ए फेयर कॉइन, तो हमें मीन तो फाइंड करना ही नहीं है स्टूडेंट, ओके मीन बिल्कुल भी फाइंड नहीं करना है, मीन से पहले हम ये कह सकते हैं फाइंड द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ हेड्स इन 3 टॉसेस ऑफ ए फेयर कॉइन। अब मैं एक चीज क्लियर कर देता हूं, ये क्वेश्चन में क्वेश्चन नंबर जो 4 था, फोर्थ का जो 3 पार्ट है इनमें सेम एज इट इज यही काम करके आए हुए, बस इसमें क्या एक्स्ट्रा था यहाँ पे मीन फाइंड करना था, हमें मीन फाइंड नहीं करना क्योंकि मीन जो फाइंड होता है पहले प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, तो इसका प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन हमने फाइंड किया हुआ है, तो हम क्वेश्चन नंबर 11 की बात करेंगे, तो 10th नंबर क्वेश्चन हम पहले ही करके आए हैं, मीन हमें फाइंड नहीं करना है, क्यों नहीं करना वो हमारे सिलेबस में नहीं है, तो क्वेश्चन नंबर 11 कहते हैं एक्सरसाइज 13.4। देखिए क्वेश्चन नंबर 11 के अंदर क्या कहा है कि टू डाइस आर थ्रोन साइमल्टेनियसली, ओके इफ एक्स डिनोट द नंबर ऑफ सिक्सेस फाइंड एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स, एक्सपेक्टेशन का मतलब होता है मीन, या मीन एक्सपेक्टेशन या ईएक्स या एक्स बार, ये सभी क्या है मीन है, बट मीन हमें फाइंड नहीं करना है, सभी क्वेश्चंस का हमें क्या करना है प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फाइंड करना है। क्लियर,
तो अगर कभी भी ये फाइंड कब आ रहा है एक्सरसाइज के जितने भी क्वेश्चन होंगे, मेन समय क्या फाइंड करना है, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फाइंड करना है, क्लियर। उनको बिल्कुल छोड़ना, ये जितने भी क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज के, उन सब में मीन वेरियंस स्टैंडर्ड डेविएशन कहे तो हमें फाइंड क्या करेंगे, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फाइंड करके उसको छोड़ देंगे, क्लियर। देखिए टू डाइस आर थ्रो साइमल्टेनियसली, दो डाई को थ्रो किया तो डिस्ट्रीब्यूशन क्या बनेगा, रेंडम वैल्यू का डिस्ट्रीब्यूशन में 0 1 2, एक्स का एक्स मैक्स 0 1 2, ये बन गया रैंडम वेरिएबल, ठीक है। अब क्या करें, एक्स डिनोट द नंबर ऑफ सेक्सेस, क्लियर, नंबर ऑफ सेक्सेस, फाइंड द एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स। अब हमें फाइंड किसकी प्रोबेबिलिटी करनी है, सिक्स आने की, तो जो हमारी सक्सेस होती है वो हम किससे फाइंड करते हैं, एक डाई से। एक डाई पे सिक्स आने की प्रोबेबिलिटी क्या है, 1/6, 1/6 हमारी क्या होगी, सक्सेस, और नॉट सक्सेस क्या होगी, 5/6, क्लियर स्टूडेंट। उसने कहा सिक्स आने का जो भी प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन है वो फाइंड कीजिए, तो छह आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी हमारी, सक्सेस, सक्सेस होगी 1/6, नॉट सक्सेस क्या होगी, 5/6। अब करते हैं स्टार्ट, हमें प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है x इक्वल टू 0, p ऑफ x इज इक्वल टू 1, p ऑफ x इज इक्वल टू 2, टोटल 2 टाइम्स थ्रो किया, 2 में से एक बार भी हमें सक्सेस नहीं मिली, इसका मतलब दोनों की दोनों बार क्या मिली, नो सक्सेस। एक बार सक्सेस मिली, दूसरी बार क्या मिली, नो सक्सेस, दोनों की दोनों बार क्या मिली, सक्सेस, क्लियर स्टूडेंट। 2c0 होता 1 25/36, 2c1 होता 2 5 2 10 10/36, 2c2 होता 1 1/36, ये हमारा क्या आ गया, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन आ गया। चेक करके देखेंगे ये एग्जैक्ट है या नहीं, 25 + 10 35 + 1 36 / 36 क्या आ गया, 1। तो ये हमारी जो टेबल बन गई, ये क्या आ गई, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, नेक्स्ट 12 और 13 दोनों के दोनों इस एक्सरसाइज के अच्छे क्वेश्चन हैं, मीन से 4 मार्क्स में आने के लिए बिल्कुल डक्के क्वेश्चन जो कहें वो क्वेश्चन नंबर 12 और क्वेश्चन नंबर 13 है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 12 और 13, क्वेश्चन नंबर 12 क्या है, क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 में है कि टू नंबर्स आर सिलेक्टेड एट रैंडम विदाउट रिप्लेसमेंट फ्रॉम द फर्स्ट 6 पॉजिटिव इंटीजर्स। अच्छा, पहले फर्स्ट 6 पॉजिटिव इंटीजर्स कौन कौन से होंगे, 1 2 3 4 5 6, क्लियर। वो कह रहे हैं एक्स डिनोट द लार्जर ऑफ टू नंबर्स ऑब्टेन, फाइंड ई एक्स, मीन्स फाइंड तो मीन करना, बट हमें क्या करना है, डिस्ट्रीब्यूशन फाइंड करना है, ठीक है, एक्स और पी एक्स। अब आप कहेंगे ऐसे क्यों फाइंड कर रहे हैं, तो आपकी मर्जी है, एक्स पी एक्स ऐसे फाइंड कर लीजिए या बॉक्स बना दीजिए, आपकी बार इस टाइप से थोड़ा सा बड़ा बनेगा, इस हिसाब से करें, यहाँ पे पेयर लिख लीजिए, पेयर आई इसमें और फिर आएगा पी एक्स, पी एक्स, ओके। तो अब स्टार्ट करते हैं, अब उसने क्वेश्चन के अंदर कहा क्या है, मेन चीज क्या है इस क्वेश्चन के अंदर, टू नंबर्स आर सिलेक्टेड, टू डाइस, सॉरी टू नंबर्स आर सिलेक्टेड एट रैंडम विदाउट रिप्लेसमेंट फ्रॉम द फर्स्ट 6 पॉजिटिव इंटीजर्स। जो x डिनोट द लार्जर ऑफ टू नंबर्स, x क्या है, दो नंबर्स में से क्या पेयर बनाना, में पेयर कैसे बनाना है, बात सुनिए पहले, टोटल केसेस कितने होंगे, जैसे मान लेना 1 2, इनमें लार्जर क्या होगा, पहले तो पेयर बनेगा तो कितने नंबर से बनेगा, टू नंबर से, टोटल हमारे पास नंबर कितने, 6, तो 6 1 2 6 आएंगे, 1 2 6 आएंगे, टोटल कितने पेयर बनेंगे, 36 पेयर बनेंगे, क्लियर स्टूडेंट ये बात, क्योंकि हमें उसने क्या कहा क्वेश्चन के अंदर, 6 पॉजिटिव इंटीजर्स के पेयर बनाने, ओके, और पेयर में जो एक्स होगा ना वो लार्जर नंबर होगा, तो लार्जर नंबर मैं बताऊंगा क्या होगा, बट टोटल पेयर कितने होंगे, 36। अब 36 में से एक चीज और मैं क्लियर कर देता हूँ कि 1 1 पेयर में नहीं आएगा, क्योंकि इन दोनों में से कोई भी लार्जर नहीं है, 2 2 नहीं आएगा, 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 इसमें पेयर में नहीं आएंगे, क्लियर। तो टोटल केस कितने बन गए, 30, तो टोटल केस बनेंगे 30, क्लियर। तो कैसे बनेंगे देखिए,
अब x इज द लार्जर नंबर, लार्जर नंबर स्टार्टिंग से बात करें तो सबसे छोटा लार्जर नंबर क्या होगा, वन तो किसी से लार्जर है, टू लार्जर है, टू लार्जर किस किस से है, क्या बनेंगे टू के साथ, वन टू और टू वन, टोटल केस कितने बने थे हमारे 30, तो टोटल पेयर कितने बने 2, 2 बाई 30, क्लियर। अब आया 3, 3 किस किस से लार्जर है, 1 3, 2 3, 3 1, 3 2, कितने केस बने 4, तो 4 बाई 30, ये चीज क्लियर स्टूडेंट, ये पेयर कैसे बने कि 3 किस किस से लार्जर नंबर है, 1 से भी है 2 से भी है, तो उनके जो जो पेयर बने 1 3 आ गया, 2 3 आ गया, 3 1 आ गया, तो 3 2 आ गया, अब आगे आता है 4, 4 लार्जर 1 4 4 1 2 4 4 2 3 4 4 3, टोटल कितने केस बने 6, तो 6 बाई 30, क्लियर। नेक्स्ट आगे बात आती है 5, 1 5 5 1 2 5 5 2 3 5 5 3 4 5 5 4, कितने केस में 8, 8 बाई 30, अब 6, 6 किस किस से लार्जर है, 1 6 6 1 2 6 6 2 3 6 6 3 4 6 6 4 5 6 6 5, टोटल कितने केस बने 10, तो 10 बाई 30, ये हमारा बन गया प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। अब हम चेक करके देखेंगे कि ये जो px बना हुआ है ये px का सम बना रहे हैं नहीं, 10 प्लस 18, 18 प्लस 6 है 24, प्लस 4 28, 30, तो 30 बाई 30 क्या आ गया 1, px का संभावना है, इसका मतलब ये हमारा क्या बन गया प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। तो स्टूडेंट मैं एक बार इस चीज को वापस रिपीट कर रहा हूँ, उन्होंने कहा था कि 6 पॉजिटिव इंटीजर्स हैं, उनके क्या बनाने हैं, पेयर बनाने हैं, पेयर किस टाइप से बनेगा, जो x होगा ना वो लार्जर नंबर होगा पेयर के अंदर से, तो लार्जर नंबर पहले तो टोटल पेयर बनेंगे 36, मीन 6 6 के पेयर बनेंगे, 6 आगे होगा 6 पीछे होगा, x को होगा वही टाइप का जो पेयर बनेगा, क्लियर। तो उसमें सेम सेम वाले तो जो टोटल 6 है वो तो कैंसिल हो जाएंगे, टोटल कितने बनेंगे 30 पेयर बनेंगे, 30 के अंदर तो लार्जर नंबर पहले क्या लिया 2, 2 किस किस से लार्जर 1 से, तो 1 2 और 2 1 दोनों पेयर होगी, फिर 3 4 5 6 टोटल निकाल दिया और उनकी क्या फाइंड कर दी हमने, प्रोबेबिलिटी फाइंड कर दी, और हमने px का सम देखा बना रहा है, इसका मतलब ये हमारा क्या बन गया प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन बन गया, क्लियर। तो अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की, मैंने बताया था क्वेश्चन नंबर 12 और क्वेश्चन नंबर 13 दोनों क्वेश्चन हमारे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज में, देखिए क्वेश्चन नंबर 13, अब क्वेश्चन नंबर 13 में क्या कहा, लेट x डिनोट द सम ऑफ नंबर्स ऑब्टेन्ड व्हेन टू फेयर डाइस आर रोल्ड, फाइंड द वेरिएंस एंड स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ x, वही बात इसने वेरिएंस और स्टैंडर्ड डेविएशन फाइंड करना है, जो हमें फाइंड नहीं करना है, हमें ओनली क्या फाइंड करना है प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है कि दो फेयर डाई को रोल्ड कर रहे हैं, कितनी टू फेयर डाई को, और टोटल कितने केस होंगे फेयर डाई को रोल्ड करेंगे 36, ठीक है, वो कह रहा है x डिनोट द सम ऑफ द नंबर्स ऑब्टेन व्हेन टू फेयर डाइस आर रोल्ड, देखिए क्वेश्चन क्या है, x क्वेश्चन नंबर पेयर px, अब x क्या क्या है, टोटल केस बन के हमारे 36, क्योंकि टू फेयर डाई को रोल्ड किया, अब x क्या कह रहा है वो, लेट x डिनोट द सम ऑफ द नंबर्स, अब एक चीज बताइए दो डाई को थ्रो करने के बाद मिनिमम सम क्या आएगा, 2 आएगा, तो 2 सम आया, किस किस का पेयर का सम होता है 2, 1 2 1
एक पेयर का तो 1/36। अब अगली बात आती है, थ्री सम किस किस का है, 1 2 का है और 2 1 का क्या है सम 3, तो 2/36। अब फोर सम किस किस पेयर का है, 1 3 2 3 2 2 3 1, तो 3/36। क्लियर। नेक्स्ट क्या, फाइव सम किस किस का है, 1 4 4 1 2 3 3 2 4/36। क्लियर। नेक्स्ट सिक्स सम किस किस का है, कहां तक जाएगा टोटल सम क्या होता है, मैक्सिमम दो ढाई को थ्रो करते हो तो 12, तो ये 12 तक जाएगा, 1 5 5 1 2 4 4 2 3 3, टोटल क्या होगा 5/36। नेक्स्ट 7 1 6 6 1 4 3 3 4 और क्या बनेगा 2 5 5 2, कितने केस बने 6 6/36। अब बात आती है 8। अब स्टूडेंट ये मत कर देना 1 7 7 1, क्योंकि जो ढाई है ढाई में मैक्सिमम 6 तक ही आएंगे। क्लियर। तो क्या होगा 2 6 6 2 3 5 5 3 और 4, क्या आ गई 5 5/36। आगे है 9 4 5 5 4 6 3 3 6, यही केस बनेंगे, ठीक है 4/36। 10 का क्या आएगा 5 5 4 6 6 4 3/36। 11 6 5 5 6 2/36। 12 6 6 1/36। क्लियर स्टूडेंट। अब इनको चेक करते हैं टोटल कितना हो गया, 3 6 10 15 21 21 26 30 33 35 36 36/36। इसका मतलब जो ये प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन हो गया वो हमारा एग्जैक्ट हुआ है, इसका सम क्या है 1, तो ये अब फाइंड हो गया हमारा प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। क्लियर स्टूडेंट। तो यहां तक आपको मैं चेक कर लेता हूं कि वीडियो में क्लियर दिख तो रहेगा, क्लियर है ठीक है। तो ये हमारा प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फाइंड हो गया। तो स्टूडेंट यहां तक आप इस एक्सरसाइज के क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन नंबर 30 तक, तो जो नेक्स्ट वीडियो होगी उस वीडियो के अंदर मैं इस पूरी एक्सरसाइज को कंप्लीट कर देंगे हम। तो मेनली 12 और 13 क्वेश्चन ध्यान से करना, ये मैंने पूरा क्वेश्चन बोर्ड पे कर दिए हैं, कोई भी डाउट कंफ्यूजन है तो मेरे से कंसल्ट कर सकते हैं। तो फिफ्थ एक्सरसाइज जो है प्रोबेबिलिटी बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, ओके बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन हमारे सिलेबस में नहीं है, एक्सरसाइज 9.5, तो हम यही काम करेंगे। और जो मिसलेनियस है, मिसलेनियस के में भी जो मैक्सिमम क्वेश्चंस हैं वो फिफ्थ एक्सरसाइज के बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन के हैं, तो उसमें से 2 या 3 क्वेश्चन ऐसे हैं जो हमें करने हैं, कुछ ही क्वेश्चंस हैं। क्लियर। तो यहां तक आप कर लेंगे, तो थैंक यू स्टूडेंट्स।